दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे यूनिलैंड जो कॉइन है वो आप कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, और ख़रीदने के बाद उसे कैसे आप जो है बेच सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, वो भी चीज आज की इस वीडियो में आपको सीखने मिलेगी। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा ये। जहाँ पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको साइनअप पर क्लिक कर देना होगा। साइनअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जीमेल आईडी डाल लेना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल लेना है, और यहाँ पर फिर आपको रेफरल कोड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, एक पेपर या बुक ले लीजिए और एक पेन के साथ ये जो कोड है वो लिख लीजिए। जहाँ पर आप रजिस्टर करते समय ये जो कोड है आप डाल लीजिएगा, YMTJH2TW। आशा करते हैं आपने ये जो कोड है वो अपने पेपर या बुक में लिख लिया होगा। यहाँ पर फिर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके साइनअप पर क्लिक कर देना है और आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको एक्सचेंज पर क्लिक कर देना है। एक्सचेंज पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है UFT। UFT सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर आपको INR पेयर पर क्लिक करके इसे बाय करने के लिए यहाँ पर आपको डाउन साइड में बाय का ऑप्शन दिखता है। वहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको जो है आपका अमाउंट जो डाल देना है, जहाँ पर 135.506 का इसका जो रेट चल रहा है। यहाँ पर हमें जो है सस्ते भाव में खरीदना है। जहाँ पर हाई गया था 142 और यहाँ पर लो था 131, तो यहाँ पर हम जो है इसे 131 में खरीदेंगे, जहाँ पर इसके जो 131 के जाने के चांसेस जो है वो बहुत होंगे। जहाँ पर 131 पर खरीदने के बाद यहाँ पर हम जो इसे खरीदेंगे 1 लाख रुपीज़ में। ओके, 1 लाख रुपीज़ में हम जो इसे बाय कर रहे हैं और यहाँ पर 131 के प्राइस में हम जो इसे खरीद रहे हैं। जहाँ पर अगर हमें खरीदना होगा तो बाय पर क्लिक कर सकते हैं। जहाँ पर आप यहाँ पर 50 रुपीज़ पे भी से भी खरीद सकते हैं, तो बाय पर क्लिक करते हैं। बाय पर क्लिक करके स्लाइड कर देंगे। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर जब ये 131 पर पहुँचेगा तो ऑटोमेटिकली जो है बाय कर लेगा। बाय करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जब आपने सस्ते भाव में ख़रीदा तो ज़्यादा भाव में आप बेचोगे तो सेल पर क्लिक कर देंगे। सेल पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना जो है अमाउंट डाल दीजिए 141 का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 141 में अगर हम इसे बेचते तो हमें जो है 7600 रुपीज़ का जो इसमें मुनाफा होता है। जहाँ पर 7600 रुपीज़ का मुनाफा हो रहा है, मीन्स अगर हम 10 दिन या 15 दिन इसके अंदर ट्रेडिंग करेंगे तो हमें जो 1 लाख रुपीज़ है वो हमें वापस मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें इसे सेल पर क्लिक करेंगे। सेल पर क्लिक करके यहाँ पर इसे स्लाइड कर देंगे तो क्या होगा, जब ये जो है ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है बिक जाएगा। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जहाँ पर आपको सस्ते भाव में खरीदना तो मैंने आपको बताया कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर फंड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको INR पे क्लिक करना है। INR पे क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखता है, INR पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता है दो ऑप्शन, एक होगा डिपॉजिट का और एक होगा विड्रॉ का। डिपॉजिट से आप जो है पैसे डाल सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, विड्रॉ से आप जो है पैसे निकाल सकते हैं अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करना ना भूले, YMTJH2TW।